तो संजय सिंह के वकील ऋषिकेश को आपने सुना, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राज अहम सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में होगी गिरफ्तारी पर सुनवाई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी का पक्ष रखेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की ओर से पक्ष रखेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, वो खबर जिस पर सबकी नजर है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुनौती वाली याचिका मामले में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो हलफनामा देकर कहा, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। हलफनामे में क्या है? तो दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी का हलफनामा, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने। केजरीवाल की याचिका सुनने लायक नहीं, यह कहा गया उसमें। शराब घोटाले में केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता, यह मेंशन किया गया। घोटाला राशि की आम आदमी पार्टी प्रमुख लाभार्थी है और आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। करीब 45 करोड़ 2022 में गोवा चुनाव में लगाए गए, यह भी इसमें कहा गया है। केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ, धारा 70 पीएमएलए 2002 के तहत इसमें अपराध हुए हैं और इसको मेंशन किया गया है। इन धाराओं के तहत केजरीवाल के ऊपर यह आरोप भी लगाए गए हैं, यह पक्ष रखा गया है इसमें। और देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में दिए गए ईडी के हलफनामे पर आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है वो भी हम देख लेते हैं। ईडी के हलफनामे पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन, ईडी सिर्फ झूठ बोलती है, पहला आरोप, कोई पैसा नहीं मिला। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल नहीं मिला है, किसी भी तरह के लेन देन के सबूत नहीं मिले हैं, यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं दिए गए, ईडी बीजेपी का हथियार बन गई है, सरकार गिराना चाहती है, बीजेपी यानी बीजेपी पर निशाना साधा गया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिजीत ठाकुर हैं हमारे साथ ILBS हॉस्पिटल से, और साथ ही पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, अब आज जो कुछ भी पक्ष रखा जा रहा है, जो दलीलें दी गई हैं, उसमें बड़ी बातें तो हमने बताई हैं, लेकिन केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई हैं कोर्ट में, क्या हूबहू वही पक्ष रखे जाएंगे? क्योंकि मामला टेक्निकल ग्राउंड पे कोर्ट कंसीडर करेगा, न कि सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के ऊपर। बिल्कुल रवि, देखिए आर्टिकल 226 के तहत उन्होंने एक रिट याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की और उसमें सीधे तौर पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका दाखिल की है। और ऐसी स्थिति में, जबकि वो रिहाई की मांग कर रहे हैं और सीधे तौर पर इस मामले में ईडी ये कह चुकी है, स्पष्ट कर चुकी है कि 45 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, कहीं ना कहीं जो केजरीवाल हैं उनकी भूमिका है, और सीधे तौर पर भले ही इन्वॉल्वमेंट ना हो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, पर साजिश के बारे में उन्हें पूरी तरह से पता था और ऐसी स्थिति में उनको किसी भी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए, ये ईडी की ओर से हाईकोर्ट से कहा गया है। हाईकोर्ट खास तौर पर आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिका में कभी जमानत की और या फिर किसी भी तरह से राहत देने की मांग पर विचार नहीं करती है, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग की गई थी और गिरफ्तारी को गलत बताया गया था, रिमांड को लेकर के भी। जी, एक चीज बताइए, इसी केस में जो पहले गिरफ्तारियां हुई, पहले बेल प्ली रिजेक्ट हुई, और इसी में अगर अरविंद केजरीवाल का कोई पक्ष रखा जाता है, एक अंतर आरोप में मुझे दिख रहा है, इसमें मुख्य साजिशकर्ता बार बार ये रिपीट किया जा रहा है, ये क्या ग्राउंड है ईडी का और क्या इसको चैलेंज अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जब नीति बनी और नीति के बारे में जो दस्तावेजों का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ईडी के पास है और उसके अलावा जो कड़ियां जुड़ रही हैं उसके आधार पर ईडी ने उन्हें मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है हाईकोर्ट के सामने। ऐसी स्थिति में, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रहते यहाँ पर एक शराब नीति पूरी तरह से तैयार की गई और उस शराब नीति में कहीं ना कहीं प्राइवेट एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट आता है और उस इन्वॉल्वमेंट के आधार पर ये घोटाला साबित करने के लिए ईडी पूरी तरह से अपना पक्ष रख रही है हाईकोर्ट में और उसी में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर केजरीवाल को बताया जा रहा है एजेंसी की ओर से। जी रवि, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से। अभिजीत, संजय सिंह को कब तक जेल से छोड़ दिया जाएगा, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी, कोई समय? देखिए, फिलहाल संजय सिंह ILBS अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्हें यहां से डिस्चार्ज किया जाएगा, ये खबर आ रही है। और फिलहाल संजय सिंह को
जो जनरल वार्ड है वहीं से व्हीलचेयर पर बिठाकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ लेकर जाया गया, जहां पर उनका रूटीन चेकअप है, कुछ मेडिकल टेस्ट है वो होने हैं। उसके बाद यहीं से उनकी एमएलसी तैयार होगी और उसके बाद उन्हें उस कैदी वाहन में बिठाकर तिहाड़ जेल लेकर जाया जाएगा, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से जितने भी ऑर्डर्स हैं वो पहले तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और तिहाड़ जेल पर जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं कागजी, वो भी पूरी की जाएंगी। तो संजय सिंह सीधे अस्पताल से रिहा होकर अपने घर नहीं जा सकेंगे, पहले वो अस्पताल से इस कैदी वाहन में ही बैठकर तिहाड़ जेल जाएंगे। तिहाड़ जेल में तमाम औपचारिकताएं जेल के जो अधिकारी हैं वो पूरी करेंगे, जो भी हस्ताक्षर लेने होते हैं, रजिस्टर मेंटेन करना होता है, और वहां से उनकी रिहाई संभव है। तो दोपहर के बाद इसकी संभावना जताई जा रही है कि 2 से 2:30 बजे के बीच में ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी और वो यहां से तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। ठीक है अभिजीत, आप नजर बनाए रखे, पीयूष आप भी नजर बनाए रखे, हम लौटते रहेंगे आप लोगों के पास। फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।